नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विराट कोहली के साथ पिछले साल से लेकर अब तक बहुत सी चीजें घटी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हर फॉर्मेट की अब कप्तानी उनसे छूट गई है या तो वो उनसे छीन ली गई है। सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो अब आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि T20 विश्व कप के बाद वो भारतीय टीम की T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। ये दो कप्तानी छीनी, उसके बाद भारतीय टीम के उस वक्त के वनडे कप्तान विराट कोहली की भी वनडे कप्तानी BCCI ने छीन ली। फिर साउथ अफ्रीका दौरा हुआ, वहां पर विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी उन्होंने छोड़ दी टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद। मतलब विराट कोहली के जिंदगी में ये 4-6 महीने जो रहे बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे। ऐसे में अब सबकी नजरें एक बार फिर से IPL पर हैं और विराट कोहली RCB टीम का हिस्सा है, वो शुरुआत से इसी टीम के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में अब की विराट कोहली कप्तान नहीं होंगे, सबकी नजरें 12 मार्च पर हैं क्योंकि RCB का मैनेजमेंट 12 मार्च को ही अपने नए कप्तान का ऐलान करेगा। फाफ डुप्लेसिस सबसे आगे चल रहे हैं कप्तान बनने के लिस्ट में। ऐसे में मैक्सवेल का भी नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि डुप्लेसिस पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे, इसीलिए कप्तान वही बनाए जाएंगे। लेकिन इस बीच एक पूर्व खिलाड़ी ने विराट कोहली को दोबारा कप्तान बनाए जाने के लिए RCB मैनेजमेंट से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि विराट कोहली बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी जैसे हैं। जैसे धोनी का CSK से रिश्ता है, वैसे विराट का RCB से रिश्ता है, तो एक बार उन्हें फिर से कप्तान बनाया जाना चाहिए, एक मौका विराट को और दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसके कई कारण भी बताए हैं और ये बयान दिया है भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने। आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में कहा, विराट कोहली क्यों नहीं, जब उन्होंने RCB की कप्तानी छोड़ी थी तो उसी समय T20 इंटरनेशनल में भारत की भी कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन वह वनडे और टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उन्हें वनडे कप्तानी से हटा दिया गया और बाद में उन्होंने टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। अब वह कप्तान नहीं है, केवल एक ही टूर्नामेंट है जहां उन्हें नेतृत्व करना है। स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। विराट कोहली और RCB CSK और MS धोनी की तरह है, तो क्यों नहीं एक साल और उन्हें कप्तानी दी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आकाश चोपड़ा ने पैरवी की है विराट कोहली को एक बार फिर से RCB का कप्तान बनाए जाने के। लेकिन RCB मैनेजमेंट आगे बढ़ चुका है, 12 मार्च को उन्हें कप्तान का ऐलान करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि विराट कोहली एक बार फिर से कप्तान अगर बन जाए तो, क्योंकि लगातार विराट कोहली से बातचीत RCB मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन इसकी होने की संभावनाएं आप ये समझिए कि केवल 1% तक होगी या उससे भी कम होगी। फिलहाल आकाश चोपड़ा ने जिस तरीके से विराट कोहली को दोबारा RCB के कप्तान बनाए जाने की पैरवी की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।